गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ योर केंद्रीय विद्यालय के एरिया जीरकपुर। आई एम एंटरिंग द स्कूल। ओके, सो फ्रॉम हियर वी एंटर एंड यू कैन सी द गार्ड रूम एंड द पार्किंग एरिया ऑन माय राइट साइड। राइट साइड पे ये पूरा पार्किंग एरिया है एंड दिस इज द लॉन्ग वे टू द स्कूल। एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी डिफरेंट प्लांट्स एंड द स्कूल ग्राउंड। ये डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं और स्कूल ग्राउंड्स हैं। हियर इट इज रिटन मिशन स्टेटमेंट ऑफ विद्यालय। सी, सो दिस इज द वे टू द स्कूल। दिस आर द स्मॉल गार्डन्स ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड द स्कूल ग्राउंड। हियर इज द बोर्ड आउटसाइड द गार्डन, वेल बी सेज, बी वेल बी क्लीन, वॉश योर हैंड्स। दैट शोज द प्रोसीजर ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स। देयर इज अ स्टैचू ऑफ महात्मा बुद्ध इन द गार्डन। वेल एंटरिंग द स्कूल यू विल सी फर्स्ट दिस स्टैचू। हियर इज द ग्राउंड। दिस इज द वे टू द प्राइमरी सेक्शन, but we'll go through the main entrance. Okay, now here you can see the statue of goddess Saraswati, jo vidya ki devi hai hamari, unki aap yahan pe sabse pehle entrance mein aap dekh sakte hain, Saraswati maa ki murti hai. And here on the right side you can see a very beautiful botanical garden prepared by the secondary section Eco Club, by Eco Club, and this is the main entrance of your school. You can see, you have seen the picture of this entrance. Now this is the main entrance. और ये जब हम एंटर होते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं माता सरस्वती की मूर्ति है। ये मेन एंट्रेंस है। नाउ आई एम एंटरिंग द स्कूल। ये एंटर हो गए। ओके, अब अगर हम राइट जाएंगे तो प्रिंसिपल मैम का रूम है और इफ यू गो लेफ्ट तो इधर स्कूल ऑफिस है। ओके, सो ये राइट साइड मूव हुए और यहाँ पे ये प्रिंसिपल मैम का रूम आ गया। ठीक है, हाँ जी, देखिए ये प्रिंसिपल रूम में हम एंटर हो गए हैं और प्रिंसिपल मैम बिल्कुल हमारे सामने हैं। कैसे हैं आप सब बच्चे? अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हुए। सो वी आर वेटिंग फॉर यू, जब आप आएंगे तो प्रिंसिपल मैम की तरफ से आपको एक एक चॉकलेट मिलेगी। वेरी हैप्पी दिवाली एंड ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर। थैंक यू मैम। सो दिस इज द प्रिंसिपल रूम और अगर आप यहीं से प्रिंसिपल रूम से बाहर आते हैं, दिस इज द असेंबली ग्राउंड और ये स्टेज है। सो आई एम गोइंग अप ऑन द स्टेज। ये स्टेज है और आप सामने देख सकते हो ये असेंबली ग्राउंड है एंड दिस इज द सेकेंडरी विंग। यहाँ पे सेकेंडरी क्लासेस है 6 से लेके 12 तक की। ओके, अभी हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं। ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज द स्कूल ऑफिस। ये स्कूल का ऑफिस है एंड आई विल शो यू द वे टू द स्कूल लाइब्रेरी। इसी के साथ ही स्टेयर्स ऊपर जाती है। दिस आर द स्टेयर्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। ये देखो, जो हम स्टेयर से ऊपर चढ़ते हैं तो कितनी सुंदर यहाँ पे पिक्चर्स हैं और यहाँ इतना सुंदर लिखा हुआ है। विल गो राइट साइड एंड दिस इज योर स्कूल लाइब्रेरी और उसके सामने बहुत ही सुंदर बोर्ड लगा हुआ है। हियर कैन सी, ये आपका कंप्यूटर रूम है। ओके, आई विल शो यू। सी, many chairs and many computers. okay, ये resource room है। okay, और ये wall painting है। this is the resource room और इसी के साथ है हमारी primary की entrance. so ये है corridor. now I'm going inside the corridor. now this is the primary section. पूरा primary wing है और पूरा ये building जो है पूरी primary की है। आप देखेंगे सामने
बहुत ही सुंदर बोर्ड लगा हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल बोर्ड, सेज अवर प्रोजेक्ट हेल्दी फूड, डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ हेल्दी फूड आइटम्स, एंड दिस इज द अनदर एंट्रेंस। जब आप आएंगे तो ये एंट्रेंस आपको खुला हुआ मिलेगा। अब हम स्टेयर्स से ऊपर जा रहे हैं, हर स्टेयर्स पे नंबर्स लिखे हैं देखो, एंड दिस इज द वॉल पेंटेड वॉल्स जो HM मैम ने साथ में मिलकर पेंट करवाई हैं, बहुत ही सुंदर। आपको हर वॉल पे पिक्चर्स मिलेंगी यहाँ पे। दिस इज द वॉल पेंटिंग, ओके। और हमारे सामने बिल्कुल स्टेज जो ऊपर आते हैं तो HM मैम का ऑफिस है, विल गो इनसाइड। तो सामने मैम है देखो, HM मैम। अब अभी हम HM रूम में हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ, होप यू ऑल आर एंजॉइंग योर ऑनलाइन क्लासेस, वी होप यू विल डू ऑल द एक्टिविटीज, लर्न एंड अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर वे। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको जो यहाँ से आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं और जितना भी काम करवा रहे हैं, आप लोग समय पर, मैं तो ये चाहूंगी कि आप रोज का काम रोज ही पूरा कर लें, उसको अच्छे से समझें और कोशिश करें कि आप जितना भी काम करो खुद से करो, सिर्फ मम्मी पापा की गाइडेंस लिया करो, अपने आप से ही लिखने का वीडियोस को 2-3 बार देखो, सो दैट कि आप लोगों को पढ़ना थोड़ा सा, दो तीन बार पढ़ने से ही अच्छे से रीडिंग आती है। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूंगी। सबसे पहले जो भी काम मैम बुक में करवाते हैं, आप उसमें डेट डालेंगे, उस दिन की डेट सब बच्चे डालेंगे। डेट डालने के बाद रीडिंग के नए शब्द, जितने भी वर्ड्स आपको लगते हैं ना, 8 या 10 वर्ड उस पेज के, आप खुद पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, और जब दोपहर में या शाम में उस पेज को दोबारा से पढ़ेंगे, ऊंचा ऊंचा बोल के पढ़ना है आपने, और शाम में मम्मी या पापा से साइन करवाना। ये याद काम हमेशा याद रखना है कि मम्मी पापा आपकी किताब पे साइन करेंगे और मेरे टीचर्स भी चेक करते रहेंगे डेली कि पेरेंट्स साइन कर रहे हैं। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे हमें रीडिंग नहीं आएगी, एंड ये काम अगर आप जब करना शुरू कर देंगे आपको रीडिंग बहुत अच्छे से आएगी। सेम वे जो आप कॉपी में काम करेंगे उसको दोबारा लिखने के बाद आपने ऊंचा ऊंचा बोलना है, यू हैव टू रीड इट आउट अलाउड रीडिंग, सो by reading it and by speaking it aloud you can remember what you have written, and the practice makes a man perfect, and your hard work will really fulfill you with good marks and it will fulfill your dreams. So thank you my students, enjoy your day and enjoy your learning in KV0. Thank you. तो अभी आपने HM मैम देखे, अभी आपको मैं कॉरिडोर दिखा रही हूँ, एंड नाउ योर क्लासरूम। सी बहुत ही सुंदर बोर्ड्स लगे हैं और हर वॉल के हर तरफ जो है पिक्चर्स बनी हुई है, प्यासा कौआ, यहाँ पे श्रवण कुमार, ओके। दिस इज द बोर्ड, हर क्लास के बाहर बोर्ड है, एंड नाउ वी आर एंटरिंग द क्लास फर्स्ट बी। दिस इज द क्लास फर्स्ट बी, दिस इज द बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कैन सी डिफरेंट बेंचेस, और यहाँ पे स्कूल लाइब्रेरी, आपकी क्लासरूम लाइब्रेरी है, बुक्स रखी हुई है यहाँ पे फॉर रीडिंग। नाउ विल गो टू क्लास 1A। दिस इज द बोर्ड आउटसाइड द क्लास फर्स्ट ए, एंड दिस इज क्लास फर्स्ट ए, और ये यहाँ पे हम एंटर हुए। दिस इज द बोर्ड, दिस इज द ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे भी हमारी क्लासरूम लाइब्रेरी है। सी बेंचेस लगी हुई हैं आपके लिए, चेयर्स और बेंचेस हैं। दिस इज फर्स्ट ए। जब आप स्टेयर से ऊपर आएंगे तो ये हमारे म्यूजिक रूम और रिसोर्स रूम है, इसके सामने भी बोर्ड है, ये दूसरा कॉरिडोर है, ऑन द सेकेंड फ्लोर, डिफरेंट क्लासेस है। सी द पेंटिंग्स, एंड दिस इज द स्टाफ रूम। और अब हम स्टेयर से नीचे जा सकते हैं, और व्हाइल गोइंग यू कैन सी वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑन द वॉल, एंड वी डोंट टच द वॉल,
पेंटिंग्स है बहुत सुंदर, गंदी हो जाएंगी इसलिए हम इनको टच नहीं करते। हियर सो अगेन वी आर बैक नियर द एचएम ऑफिस। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड वॉचिंग योर स्कूल और आपको अपना स्कूल पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही जल्दी स्कूल में हमारे साथ यहाँ होंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, एंजॉय योर डे, थैंक यू।